उपस्थित जनपद गोरखपुर के सभी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, होली के एक दिन पूर्व एक पवित्र कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब हम सब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को, माँ बाप को, माँ बाप या उनके लीगल जो अभिभावक थे उन्हें खोया था, उनको या जिन बच्चों ने अन्य बीमारियों से भी उस दौरान अपने अभिभावक को खोया था, ऐसे बच्चों की भी के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की। बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन परिवारों को प्रदेश सरकार हर महीने उन बच्चों को 4,000 रुपये की एक स्कॉलरशिप देती है। सामान्य परिवार जो कोरोना से जिन के माता पिता की मृत्यु हुई, कोरोना के कारण न हुई हो, किसी अन्य बीमारी से हुई है, उन्हें भी हम लोग 2,500 रुपया महीना देते हैं। ऐसे कुछ बच्चे जो छूट गए थे उन्हें आज यहां पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। जो बच्चे 9वीं क्लास से ऊपर की कक्षा में अब प्रवेश किए हैं उन्हें लैपटॉप देने की कार्रवाई, महिला मंगल दल को यहां पर स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने का कार्य, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर महिला भ्रूण हत्या, जो बालिका भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अभियान चलाया था और बेटियों को अनिवार्य रूप से स्कूल में भेजा जाए, इसके लिए जो एक अभियान चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उस अभियान के तहत उत्कृष्ट संस्थाओं को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम यहां पर आज आयोजित हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। होली के इस पावन अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कोरोना एक महामारी थी जिसने दुनिया के अंदर बड़ी तबाही मचाई थी। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं था जहां पर कोरोना जैसी महामारी के कारण भारी संख्या में लोगों की मौत न हुई हो, लेकिन दुनिया की इस आबादी की दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया के अंदर भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीने वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उस सब के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का बेहतरीन कार्य देश के अंदर हुआ। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन की सुविधा तो हर एक उस जरूरतमंद को उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। आज भी देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज देशवासियों को फ्री में उपलब्ध करवाई गई। और यही नहीं, जब हम कोरोना प्रबंधन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा अनेक नवाचार उस दौरान हुए। पहले लॉकडाउन भी हुआ, लेकिन बाद में जब कोरोना की
स्प्रेड होने की स्थिति आई और बहुत दिनों तक व्यवस्था को बाधित नहीं किया जा सकता था, तो जहां बीमार वहीं उपचार का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। जिन लोगों के उस दौरान काम धंधे बंद हो गए थे उन्हें भरण पोषण भत्ता भी उपलब्ध करवाया गया। लेकिन इसके बाद का दौर और भी वैसी स्थिति थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने माता पिता को खोया। उस दौरान उन बच्चों की परवरिश कैसे हो, एक प्रश्न था। और तब प्रधानमंत्री जी ने एक मार्गदर्शन किया और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई, जिसमें कोरोना से पीड़ित जिन बच्चों के माता पिता, मां पिता या दोनों की दुखद मृत्यु हुई, उन बच्चों को 4000 रुपए महीना सरकार उपलब्ध करवाएगी और यह व्यवस्था उन बच्चों के बालिक होने तक उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर चलाएगी। हर महीने व्यवस्था उनको, हर तीसरे महीने पैसा उनके अकाउंट में जाता रहेगा, एक व्यवस्था बनाई गई। नौवीं क्लास के बाद के बच्चों को हमने लैपटॉप भी उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी था कि जो बच्चे इस दौरान, जिनके माता पिता का निधन हुआ है, कोरोना की पुष्टि नहीं हो पाई थी, उनके लिए क्या होगा, तो उन्हें हम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत लेकर के उन्हें भी 2500 रुपये महीने की व्यवस्था उन बच्चों के लिए भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। और आज यहां पर गोरखपुर जनपद के अंदर अगर हम देखेंगे तो 603 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम 4000 रुपये महीने प्रतिमाह उपलब्ध अकेले गोरखपुर जनपद में उपलब्ध करवा रहे हैं। 218 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 2500 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और 21-22 में 115 बच्चों को हम लोगों ने लैपटॉप वितरित किया था और आज 82 बच्चों को यह लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं सबसे पहले उन सभी बच्चों को जिन्हें लैपटॉप उपलब्ध हो रहा है उन्हें हृदय से बधाई देता हूं कि डिजिटल दुनिया के साथ उन्हें संवाद बनाने का एक अवसर मिल रहा है। लेकिन जैसे कि माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी ने कहा, केवल उसी में रम जाना नहीं है, यह लैपटॉप आपको देश और दुनिया के अच्छी चीजों को जानने सीखने का एक अवसर प्रदान करेगा। डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़िए, दुनिया के अंदर अच्छा क्या है अगर आप इसको देखने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि दुनिया असीम है, ज्ञान का था भंडार है। और इस ज्ञान के था भंडार के साथ अगर आपका मस्तिष्क अपना तारतम्य स्थापित कर देगा तो दुनिया की कोई चीज आपके लिए असंभव नहीं रहेगी और उस दिशा में प्रयास करना, इसलिए यह व्यवस्था आपके लिए यहां उपलब्ध कराई जा रही है। और मुझे विश्वास है कि हमारे सभी बच्चे अपने उस विपत्ति को भूल करके इस नई दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस लैपटॉप का बेहतर उपयोग करेंगे। सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि 18 वर्ष से ऊपर जब ये बच्चे जाएंगे तो पीएम केयर से भी प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उन बच्चों को 23 वर्ष का होते होते एक हैंडसम राशि उन्हें उपलब्ध हो जाएगी और इस राशि से वे लोग अपना कोई भी काम धंधा भी प्रारंभ कर सकते हैं। उस पैसे का उपयोग वे लोग कर पाएंगे जिससे कहीं भी उन्हें, मां बाप तो मां बाप होते हैं, माता पिता की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एक संबल व राशि उनके लिए बनेगी जीवन में। और ये एक संवेदनशील सरकार ही इस प्रकार के संवेदनशील फैसले लेकर के प्रत्येक नागरिक के साथ उनके सुख दुख में सहभागी बनने का कार्य कर सकती है। इसका एक उदाहरण उन सबके सामने होगा। दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रदेश ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है, स्पोर्ट्स किट। आज हम देख रहे हैं युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रदेश के अंदर हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है। हमारे बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे
और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल की बड़ी भूमिका होती है गांव के लोगों को खेल कूद के साथ जोड़ने, गांव के अंदर इसके माध्यम से सहभागिता और सौहार्द का बेहतर वातावरण बनाने के लिए। आज उन्हें स्पोर्ट्स किट यहां उपलब्ध कराया गया है, हर ग्राम पंचायत को हम इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जिन महिला मंगल दल को यह स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराया गया है वे अपने गांव की सभी बालिकाओं को, महिलाओं को इस स्पोर्ट्स किट के माध्यम के साथ विभिन्न खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। आज इस दिशा में बेहतर प्रयास प्रारंभ हुए हैं। अभी पिछले दिनों हमने गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी के द्वारा सांसद खेलकूद महाकुंभ का आयोजन किया गया था, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई, अनेक कार्यक्रमों के साथ लोग जुड़े और आज इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए ये स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10वीं व 12वीं की 10-10 बालिकाओं को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र वितरण भी किया जा रहा है। यहां पे आज किया गया है, कुछ को मैंने सिंबलिक किया है, बाकी को यहां पर अभी विभाग के लोग करेंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 2022 की 12वीं की राज्य बोर्ड परीक्षा में टॉपर बालिका को 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कक्षा 5 और 6 में 2022 में छात्राओं को 100% उत्तीर्ण करने वाली, लक्ष्य प्राप्त करने वाले 4 विद्यालयों को 10,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 8वीं से 9वीं में 2022 में छात्राओं का 100% उत्तीर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाले 4 विद्यालयों को 15,000 का प्रोत्साहन राशि, 10 से 11वीं में विगत वर्ष 2022 में छात्राओं को 100% उत्तीर्ण करने वाले, लक्ष्य प्राप्त करने वाले 3 विद्यालयों को 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी आज यहां पर प्रदान की गई है। आप सोच सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से किस प्रकार का उत्कृष्ट कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और आज तो बालिकाओं के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था हम लोगों ने की है, डबल इंजन की सरकार उन्हें फ्री में एजुकेशन की सुविधा दे रही है। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उन बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर के और स्नातक तक की पढ़ाई के लिए एक पैकेज भी देती है, 15,000 रुपए का एक पैकेज अलग अलग स्टेज में उन बालिकाओं के अकाउंट में जा रहा है। और यही नहीं, बालिका ब्याह शादी ब्याह के योग्य हुई तो 51,000 रुपए राज्य सरकार उन परिवारों को उपलब्ध कराती है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत। सरकार आपका संबल बन रही है, हर प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है। आज उत्तर प्रदेश के विद्यालय देखने लायक है, दर्शनीय है, और भी उसको प्रोत्साहित करने का कार्य हो रहा है। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बन रहे हैं, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी फ्लोरिंग हो रही है, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बन रहे हैं, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और ये इसलिए जिससे बच्चे भगवान के रूप होते हैं और वह अपने स्वरूप में और निखार लहा करके न केवल अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ा पाएंगे बल्कि इसके माध्यम से अपने गांव, अपने समाज और अपने देश को दुनिया के सामने मजबूती के साथ एक समृद्धि की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान भी दे पाएंगे। बहुत प्रतिभा आपके पास है, उस प्रतिभा को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ आपके पास है, आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं सकारात्मक सोच के साथ। मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, सरकार आपको उसी मेहनत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आज यहां पर आई है। आज रात्रि से होलिका दहन होगा, यह बुराइयों को त्यागने का एक अवसर होता है और परसों होली, रंग भरी होली लोग खेलेंगे। रंग भरी होली का मतलब अपने बैर भाव को भुला करके
समाज मिल करके इस पर्व के उत्साह और उमंग के साथ, जीवन उत्साह के लिए होता है, उमंग के लिए होता है, निराशा और हताशा में जीवन नहीं होता है, और उत्साह उमंग के साथ जुड़ने का एक अवसर होली जैसा पर्व हमें देता है। तो बुराइयों को त्याग करके ही उत्साह और उमंग की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। होली यही अवसर आपको दे रहा है। आप सबको मैं इस प्रशासन से कहूंगा कि जो बच्चे आए हैं, इन बच्चों को एक तो यहां के चिड़ियाघर में जरूर घुमाइए। घूमने चाहेंगे आप लोग चिड़ियाघर में? कितने बच्चों ने चिड़ियाघर देखा है और कितने लोग और देखना चाहेंगे? सभी लोग आज देखना चाहेंगे। सभी बच्चों को आज घुमाने की व्यवस्था करवाई चिड़ियाघर में। रवि किशन जी के गाने को कितने लोगों ने सुना यहां पर? वाह भाई, कैसा लगा उनका गाना? अच्छा लगा ना? ठीक है, आप में से कितने लोग गा सकते हैं रवि किशन जी की तर्ज पर? कितने लोग गा सकते हैं? अरे बहुत सारे लोग गाते हैं स्कूल में। कितने लोग गा सकते हैं? अरे आप में ही रवि किशन छुपा हुआ है। सब लोग गाने का, कविता को याद करने का अभ्यास करिए और फिर उसको सस्वर बोलने का भी अभ्यास करेंगे तो रवि किशन आप भी बन जाएंगे। तो एक तो यहां के बाद आपके लिए मिठाई और जलपान की व्यवस्था होगी, वो लीजिए आराम से खा करके। फिर प्रशासन आपको चिड़ियाघर लेके जाएगा, वहां घुमाएगा, देखना वहां पर, वहां का आनंद लीजिए। जू को भी देखेंगे और साथ साथ उसके माध्यम से आपको देखने का अवसर मिलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितना विशाल है। केवल मनुष्य ही नहीं, जीव और जंतु मिलकर के ही सृष्टि की रचना करते हैं। सबके अस्तित्व को बचाने की आवश्यकता है, इसलिए पेड़ पौधों की रक्षा करना, जीव सृष्टि की रक्षा करना, हर एक की रक्षा करने का दायित्व हम सबको अपने ऊपर लेना होगा। यह हमारे लिए मनोरंजन भी होगा, ज्ञानवर्धन का कार्य भी होगा। आप सभी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप सबको आज के इस अवसर में पर मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए होली की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति मैं व्यक्त करता हूं। जय हिंद।